Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 and the name of our chapter is The Rabbit and the Fox. Aaj hum apna chapter 2 start karenge aur hamare chapter ka naam hai The Rabbit, Khargosh and the Fox, Lomri. Usse pehle hum chapter jab start karenge usse pehle hum ek warm up exercise karte hain. इस वार्म अप एक्सरसाइज में आपको दे रखा है मैच द एनिमल्स विद देयर फेवरेट फूड. आपको एनिमल्स को उनके फेवरेट फूड से मैच करना है. सो जो बेयर है आपका, बेयर को आपको किससे मैच करना है? हनी से. रैबिट को मैच करना है आपको कैरेट से. डॉग को मैच करना है आपको बोन से. एंड स्क्वायरल को मैच करना है आपको नट से. ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. One day, a rabbit and a fox were clearing up a ground to plant a new crop. एक दिन एक rabbit और एक fox, एक खरगोश, एक लोमड़ी एक ground को, एक मैदान को clear कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं. किस लिए? उस पर नई फसल लगाने के लिए, नई फसल को plant करने के लिए, नई फसल बोने के लिए. ठीक है. द सन गॉट सॉर्ट ऑफ हॉट. यहाँ इसका मतलब है द सन गॉट ऑफ सॉर्ट का सॉर्ट ऑफ हॉट का मतलब है कि सूरज बहुत ज़्यादा उस दिन गर्म था, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी. द रैबिट गॉट टायर्ड. रैबिट थक गया. बट ही डिडेंट गिव अप. लेकिन उसने हार नहीं मानी. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट द रेस्ट ऑफ देम वुड कॉल हिम लेजी. क्योंकि उसे डर था कि बाकी के लोग, अगर उसने आराम करना चालू कर दिया, आराम करना शुरू कर दिया तो बाकी के लोग उसे आलसी बुलाएंगे, लेजी आलसी. ही कैप्ट कैरिंग अवे द रबिश एंड पाइलिंग अप द बुश बींग क्लियर्ड. उसने काम जारी रखा. कैसे? कि जो रबिश था वहाँ पर, जो कूड़ा वगैरह था, उन्हें उठाना जारी रखा. और जितनी भी बुशेज वहाँ पर थी, बुश थी वहाँ पर, मतलब के जो झाड़ियाँ इकट्ठी के झाड़ियाँ वहाँ से हटाई जा रही थी, साफ़ की जा रही थी, उन झाड़ियों को एक जगह इकट्ठा करने लगा. पाइलिंग अप मतलब इकट्ठा करने लगा. ठीक है. देन सडनली तभी अचानक, सडनली तभी अचानक ही यल्ड आउट दैट ही हैड अ थॉर्न इन हिज हैंड. वो चीखा कि उसके हाथ में काटा है, उसके हाथ में काटा लग गया है. ही स्लिप्ड ऑफ टू लुक फॉर अ कूल प्लेस टू रेस्ट. और वो चुपके से निकल गया. स्लिप्ड ऑफ मतलब चुपके से निकल जाना, और चुपके से निकल गया ये बोलकर जिसके हाथ में काटा लग गया है ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया और एक छावदार अच्छी सी ठंडी सी जगह ढूंढने लगा आराम करने के लिए. ठीक है, आराम करने के लिए ठंडी सी अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए निकल गया. अब नेक्स्ट क्या होता है? After a while he came across a well with two buckets hanging in it from a wheel on top. कुछ देर बाद उसे वो कहाँ पर आया? एक वेल के पास से गुजरा. वेल के पास आया. उसमें क्या था? वेल में दो बकेट्स टंगी हुई थी. जो दो बकेट्स हैंगिंग लटकी हुई थी किससे? एक व्हील से. कुएं के टॉप पर एक व्हील था, एक चरखी टाइप था, मैं हम बोल सकते पुली था. ठीक है, पुली के ऊपर जो है एक रस्सी से दो बकेट्स बंधी हुई थी, हैंगिंग हुई हुई थी, लटकी हुई थी कुएं पर. उसके बाद क्या होता है? दैट्स लुक कूल. क्या कहता है? दैट्स लुक कूल का मतलब यहाँ पर अच्छा है. जैसे हम कोई चीज़ अच्छी सी देखते हैं ना, कोई ड्रेस वगैरह लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट्स लुक कूल, ये बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है. तो वैसे इसने भी बोला कि ये जगह तो बढ़िया लग रही है. दैट्स लुक कूल, उसने उस जगह के बारे में सोचा कि ये तो बढ़िया है. सेड द रैबिट. रैबिट ने कहा आई विल जस्ट गेट इन देयर एंड टेक अ क्वाइट नैप. मैं बस यहाँ पर जल्दी से मैं इसमें चला जाऊँगा और एक अच्छी सी झपकी लूँगा. क्वाइट नैप मतलब अच्छी सी झपकी लूँगा. विद दैट ही जम्प्ड इनटू वन ऑफ द बकेट. ये सोचते हुए वो जल्दी से उसने जंप लगा दी, उसने छलांग लगा दी एक बकेट में, उनमें से एक बकेट में उसने छलांग लगा दी. एज सून एज ही डिड दैट, जैसे ही उसने ये किया, द बकेट जस्ट वैन डाउन इन टू द वेल. बकेट जो है जल्दी से वो नीचे की तरफ वेल में को चली गई. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.